जी हमारा रेडी हो गया और बहुत ही यम्मी सी रेसिपी हुई है ये। अभी हमने थोड़ा सा एक दो चखे थे तो बस यकीन करें बहुत ही, बस हाथ रुकता नहीं है तो रुका भी है हाथ बनने में। ये सारे माशाल्लाह इतने अच्छे बने। हाँ ये सब बन गए और बहुत आसानी से बने हैं। पर हमने डाल देना है। देखें व्यूअर्स ये हमारे माशाल्लाह कुकिंग विद हस्बैंड में मैं हूं शेज और ये है हुसैन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो शेज से अपना टाइम बचाते हैं, शेज से पूछते हैं शेज आज क्या बड़ा अच्छा सा कुछ हो रहा है हमारे किचन में। जी आज हमारे यहाँ चिकन पटाटो स्नैक बन रहे हैं जो कि बहुत मजेदार है, जबरदस्त खाने में मजेदार है बल्कि बनाने में भी बहुत मजेदार है। 5 मिनट में ये रेसिपी आप लोगों की बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनने वाली है, बहुत जल्दी बन रही है। तो शायद अपना टाइम बचाते हैं, अपना बताया था ये क्या लिया आपने। ये मैंने 1/2 kg आलू लिए। ठीक है, यानी आधा किलो इन्होंने जी, आधा किलो मैंने 500 ग्राम जी। और ये मैंने 200 ग्राम लिए चिकन, उसको मैंने बॉईल करके और हिस्सा कर लिया नमक डाल के और अदरक लहसुन थोड़ा सा डाल के तरीकेकार जी। और ये 2 टेबल स्पून मैंने केचप लिया है जी। और ये 1 teaspoon मैंने कुटे हुए लाल मिर्चे लिए, 1/2 teaspoon मैंने लाल मिर्च लिए, 1/2 teaspoon ब्लैक पेपर लिया है और 1/2 teaspoon चिकन पाउडर लिया है, 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैंने जीरा पाउडर लिया है, 1 teaspoon मैंने नमक लिया है और 4 टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया, और ये 6 हरी मिर्चों का पेस्ट मैंने बना लिया है, और ये थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च जो कलर के लिए डाली जाती है और थोड़ा सा नमक लिया है, ये चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये तीनों चीजें भी मैंने लिए। आपको बता दें तो फिर हम बताते हैं कि क्या करना है। देखिए व्यूअर, ये शेज़ ने जो बॉईल किए थे आलू इसको मैश कर लें। ये हुसैन आप लोगों को करके दिखाएंगे, चले आप कश कर लें या फिर इस तरह मिक्स कर लें। ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा किसी भी चीज से आप बस मिक्स होना चाहिए, बस आपको ये करना है मैच जी। चले आपको बताते हैं। ने ये सब कर दिया माशाल्लाह, मिक्स कर दिया इसको, बिल्कुल मैश कर दिया, बहुत अच्छे से मैश हो गए ये शेज जी। अब क्या करना है, क्या करेंगे इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे जी। ये देखेंगे सारे मसाले हम लोग इसी के अंदर डालेंगे जी। ये जो कॉर्नफ्लोर है ना बाइंडिंग का काम करेगा इसके। अच्छा जबरदस्त करता है ये जी। और इसमें क्या, जिसके पास ना हो तो वो चावल का आटा डाल ले इसकी जगह। ठीक है, लेकिन बेस्ट यही है, ये बेस्ट यही है। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे इसके बाद, फिर उसके बाद हम इसको चिकन को भी इसी तरह, अच्छा ये रेशा ही बनाएगा, मशीन में नहीं करेगा इसको, रेशे ही डाल ताकि फ्लेवर आए मुंह में जी। अच्छा ये हरी मिर्चे ये भी इसी के अंदर डाल देंगे। अच्छा बच्चों को देना हो तो फिर ना डालेगा क्योंकि जरा स्पाइसी से मजेदार बन जाते हैं, और बच्चे शौक से खाते हैं तो फिर डाल दिएगा सही। अच्छा इसके बाद शेज़ क्या करेंगे वो? बस फिर हम आपको बताते हैं कि क्या करें। देखिए व्यूअर्स, हमने ये सब चीजें इसमें मिक्स कर ली है जो हमने आपको बताई थी, फिर हमने थोड़ा सा जैसे लेना है छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं लेना ठीक, बस ये छोटा सा व्यूअर्स को बड़ी समझ में आ जाएगा क्योंकि अभी आप जो करेंगे ना उससे उनका साइज का आइडिया हो जाएगा है शेज़ जी। ये इतने इतने से गोल बना के हमने इस तरह ऑयल लगा के ताकि आपके हाथ में ना चिपके, हल्का सा ग्रीस करना है अपने हाथ को जी इस तरह करके बस। उसके बाद हमने ये ऐसी छोटी सी कोई बोतल लेनी है, उसको इससे इस तरह ग्रीस करना है जी, और फिर उसके बाद हमें ऐसे करके डिजाइन बनाना है, बहुत जबरदस्त डिजाइन बनता है शेफ ये देखिए, और बहुत प्यारे लगते हैं, ये लगता है किसी बहुत बड़े ब्रांड के वो बने हुए हैं शेफ जी, इस तरह के बस इस तरह। अब आपको दिखाते हैं, देखिए व्यूअर्स ये सारे रेडी हो गए हैं, शेज ने बनाया ये बहुत मेहनत से, इसमें एक आदम ने भी कोई तजुर्बा किया, जो सबसे खराब होगा वो मैंने बनाया है। ठीक है, नहीं ऐसे नहीं बात, सभी अच्छे हैं माशाल्लाह। तो आप करना क्या शेज ये बताया था, टाइम बचा था वो मैंने फ्राई करते हैं और आपको दिखाते हैं सही, इसको फ्राई करते हैं इसको बताते हैं। ये सारे माशाल्लाह इतने अच्छे बने, ये सब बन गए और बहुत आसानी से बने हैं शेज, बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ही आसानी से और बहुत ही मतलब एक आपका होगा दूसरा आउट होगा तीसरे में आपका असर हो जाएगा जी हाँ, और बहुत ही डिसेंट सी, और उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं जी आप अपनी मर्जी। अच्छा ये हमने खूबसूरती के लिए किया है, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप ऐसे खाली इसको कबाब वाले स्टैंड देंगे तो भी आपको टेस्ट यही मिलेगा, खूबसूरती एक यूनिक सा बन आ जाएगा आपके। चलिए आपको बताते हैं करना क्या है। देखिए मेरे भाई हमारा रेडी हो गया है, अब हमें से चले शेज को बिस्मिल्लाह पढ़ के फ्राई करें जी। पर हमने डाल देना है इसको
आराम आराम से सारे स्टेप डाल देंगे इसके अंदर। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे मसाले रेडी हो गए, आने शुरू हो गए। ये मसाले में इसमें टिश्यू लगा देते हैं इसको। हाँ वो भी लगाते हैं, भूल गए। अच्छा, ये मस्टर्ड ऑयल में यूज कर रहे हैं, आप कोई सा भी घी ऑयल यूज कर सकते हैं जी। और अभी मैं इसके साथ एक कुछ और भी करूंगी, वो अभी अभी एक और आपको एक टिप भी है इसके अंदर करूंगी मैं, एक वो बहुत ही यूनिक सी चीज होने वाली है वो जी, जो आपको हमने दिखाई थी सॉस वगैरह। स्टेज पे भी हम लोग खा सकते हैं, ये तो रेडी है। और एक और टिप भी मैं एक और भी करूंगी, वो भी अभी आपको बताती हूँ। अभी मेरा ऑयल रेडी होते हैं, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर कुछ नया होने वाला चीज खाते हैं। क्या चाहिए मुझे जी? ये चाहिए, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली इसके अंदर। अच्छा, ये स्पाइसी नहीं होती जी, बस सिर्फ ये कलर के लिए डाली जाती है। ठीक, इसमें सॉल्ट डाल दिया जो आपने बताया था। अच्छा, सॉल्ट डाल दिया। ठीक, और हम इसमें ये पकड़ेगा एक मिनट। अच्छा, इसमें केचप कितना लेंगे सर? टू टेबल स्पून, ये टू टेबल स्पून हम डालेंगे इसके अंदर। ये चिली सॉस डाली आपने, अब हम सिरका डालेंगे, कंजीका डालेंगे, ये ब्लैक सॉस डाल दिया आपने, ये क्या डाला सर? ब्लैक सॉस डाला, ब्लैक सॉस डाला आपने, अब विनेगर, खुशबू तो बहुत अच्छी लग रही है सर। ये भी टू टेबल स्पून डालेंगे, ये व्हाइट विनेगर डाल दिया सर। अच्छा, आप ये केचप भी डाल दें। कितना सर? पूरा डलेगा ये? पूरा जो तकरीबन दो तीन टेबल स्पून, तीन टेबल स्पून है ये पूरा डलेगा। ये भी बड़ा अच्छा सा सॉस बन जाता है, इसके अंदर हम कर लेते हैं तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। वैसे तो वह रेडी है, और वो जो इस स्टेज पे बिल्कुल रेडी होता है, इस तरह भी खाया जाता है और इस तरह भी। तो मैं थोड़े से आप लोगों को इस तरह बना के दिखाऊंगी। हमने एक ही रेसिपी में दोनों काम कर दिया सर जी। ये इस तरह हम इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, वो अपनी बिल्कुल रेडी है सर जी, इस तरह हम इसमें कर लेंगे बिल्कुल डीप। जो केचप वगैरह बहुत शौक से खाते हैं ना, तो उनके लिए ये बिल्कुल रेडी है जी। बस ये आप इसको इस पे फोक से और किसी चीज से भी आप इसको काटें, नाइफ से, और रेडी है बिल्कुल जी, ये बिल्कुल रेडी है। तो ये भी बड़े मजे के लगते हैं सॉस। अच्छा, ये अपनी जगह है जिसको सॉस के साथ यूज करना है, बाकी वो अपनी जगह है। सादे हमारे बच्चे जरा, चले हम आपको बताते हैं। देखिए व्यूअर्स, ये हमारे रेडी हो गए और बहुत ही जमी से रेसिपी हुई है ये। अभी हमने थोड़ा सा एक दो चखे थे, तो बस यकीन करें बहुत ही, बस हाथ रुकता नहीं है, तो रुका भी है हाथ बनने में। ऐसी रेसिपी हुई है और बहुत ही अच्छी बनती है। अच्छा, जिनको इस तरह से खाना हो थोड़ा सा केचप बहुत ऐसा स्पाइसी सा, तो वो ये ले सकते हैं। और अगर आपको लोग पसंद नहीं करते केचप, अवॉइड करते हैं, तो आप ये ले सकते हैं, सादे स्नैक आप खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपना कमेंट्स वगैरह बताइएगा। शेयर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगी कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम आपको नई नई अच्छी अच्छी रेसिपियां देते रहेंगे, और नए आने वालों के लिए कि सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, चले मिलते हैं फिर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।